बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री शैलेश कुमार ने मंगलवार को अपने दर्जनों समर्थकों के साथ बरुई पंचायत का दौरा किया और एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के लिए वोट मांगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के शासन काल में जो बिहार का विकास हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए वोट मांगने आए हैं। जिस तरह आज घर घर में बिजली पहुँची है उसी तरह हर घर में शुद्ध पेयजल होगा। बरुई पंचायत में प्रवेश करते ही मुखिया रंजन कुमार विंद ने महकोला में ही माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। उसके बाद जगह जगह लोगों ने उनके काफिले को रोककर उनका भव्य स्वागत किया और जिंदाबाद के नारे लगाए। उनके काफिले में जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजेंद्र मंडल, मुकेश कुमार, युवा अध्यक्ष विकास कुमार, मृत्युंजय सिंह और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष कुमार प्रणय सहित अन्य कई लोग थे। सन्मार्ग के लिए मुंगेर से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। चूँकि पूरे भारत में आदरणीय नरेंद्र कुमार मोदी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, इनके पक्ष में आंधी नहीं तूफान का रूप ले लिया है। आज़ादी के इतने वर्षे बीत गए और कांग्रेस वाले जनता को किसी न किसी रूप में गुमराह करते रहे, लेकिन जो 5 वर्ष का शासनकाल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री रहे, इन्होंने देश के लिए और देश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जो देश में एक स्थायी सरकार, मजबूत सरकार, इनका विदेश नीति जो इनका सफलतापूर्वक चला, जो इनका नोटबंदी का जो काले धन जो इन्होंने निकालने का काम किए, इससे पूरे देश की जनता अभी आदरणीय प्रधानमंत्री के फिर से प्रधानमंत्री बनना देखना चाहती है और इसके लिए तूफान का रूप ले लिया है। और जहां तक मुंगेर लोकसभा की बात है, मुंगेर लोकसभा में आदरणीय ललन बाबू के पक्ष में यहां बिल्कुल बिल्कुल तेज हवा चल रही है और जो देखने से आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि कोई भी विपक्ष यहां पर टिक नहीं पाएगा। इसलिए नहीं टिक पाएगा कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार में 13 वर्षों के शासन काल में जो उन्होंने विकास की गति दिए, चाहे वह 7 निश्चय का हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर, जो उन्होंने काम किया और उस काम के बल पर एक समय था किसी बिहार में लोग लालटेन युग में जी रहे थे, आज यहाँ पर बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे में 22 घंटा बिजली रह रही है। बहुत ऐसे गाँव थे जो संपर्क विहीन गाँव थे, सारे गाँव को संपर्कता प्रदान किया गया। हम एक ही सिर्फ उदाहरण देना चाहते हैं कि यही पर पूर्व की सरकार 2000 से 2005 तक कैसे किस मुंह से वोट ये लोग मांगते हैं। जब 15 वर्षों तक इनका शासन रहा तो 2000 से 2005 तक में मात्र 723 किलोमीटर बिहार में सड़क बना और ये भी सड़क आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय थे प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना के तहत बना था, PMGSY के तहत बना था। और जब 5वां आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार की सत्ता जब बिहार की जनता ने इनको सेवक के रूप में चुनने का काम किया तो आज पूरे बिहार में 86,000 किलोमीटर सड़क बना है। ये उदाहरण है, सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। उस समय 33,000 बच्चे 2005 में स्कूल से बाहर थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे वह साइकिल के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप में, पोशाक के रूप में, परिभ्रमण के लिए जो छात्रों को मिल रहा है, किसी न किसी रूप में एक शिक्षा के प्रति जज्बा पैदा किए और आज उसकी संख्या घट के मात्र कुछ हज़ार तक हो गई है। इसलिए बिहार की जनता इस बात को देख रही है कि अगर काम करने वाला कोई व्यक्ति है तो वह नीतीश कुमार है, और जनता को गुमराह करने वाला कोई था। जनता 5 वर्षों में वोट देते रही, सरकार बनते और बिगड़ते रही, इतने लंबे अरसे बीत गया आज़ादी के बाद, लेकिन जनता की समस्या को कोई भी सरकार, चाहे RJD हो, कांग्रेस, कोई भी सरकार ने दूर नहीं किया। समस्या अगर दूर किया तो वो हमारे नेता नीतीश कुमार हैं जो 24 घंटे में 18 घंटा मेहनत करके बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किए। इनकी एक ही इच्छा है कि यहाँ रहने वाले, बिहार में रहने वाले अंतिम लोग, अंतिम गांव तक विकास की किरण पहुँचे और पहुँच रही है, और निश्चित रूप से पुनः दिल्ली में NDA की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।